हेलो स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आज आप बोर्ड पर देख रहे हैं, आज हम लोग कास्टनर केलनर सेल पढ़ रहे हैं। बच्चों, कास्टनर केलनर सेल जो है, इस सेल की सहायता से भी हम लोग क्लोरीन गैस ही प्राप्त करेंगे। अब वो अलग बात है कि जब हम क्लोरीन गैस प्राप्त करेंगे तो इस विधि से हमको हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, परंतु ये जो टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया है वो क्लोरीन बनाने के लिए किया है, तो हम यही बोलेंगे क्लोरीन बनाने की कास्टनर केलनर सेल विधि, चाहे आप ऐसे बोल दें। तो बेटा, ये जो कास्टनर केलनर सेल विधि है, ये एक औद्योगिक विधि है। औद्योगिक विधि, जैसा कि आपको पता है, दो पार्ट में पूरी होती है। पहली विधि आप लोगों ने पढ़ी थी डीकन विधि, जिसका मैंने वीडियो बनाया है। इसके बाद दूसरी विधि आप लोगों ने पढ़ी थी विद्युत अपघटनी विधि, और विद्युत अपघटनी विधि के अंदर तीन सेल थे, जिसमें पहला सेल आप लोगों ने पढ़ा था नेल्सन सेल, इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था केलनर साल्वे सेल, और जो तीसरा सेल बच गया था कास्टनर केलनर, जिसे मैंने कहा था आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो यही है वो, ठीक है, कास्टनर केलनर सेल। तो बच्चों, कास्टनर केलनर सेल का जो डिस्कवरमेंट किया गया था ना, वो 1890 में किया गया था, और इस सेल पर दो वैज्ञानिकों ने काम किया था, कास्टनर और केलनर, दो अलग अलग वैज्ञानिकों ने। ये जो कास्टनर है ना, ये कास्टनर बच्चों अमेरिकन वैज्ञानिक हैं। इनका पूरा नाम हैमिल्टन कास्टनर था, जबकि केलनर ये जो वैज्ञानिक हैं, ये ऑस्ट्रियन कंट्री के वैज्ञानिक हैं, जिनका पूरा नाम कार्ल केलनर था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्लोरीन गैस बनाई। तो बच्चों, क्लोरीन गैस बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, ठीक है, तो फटाफट ये डायग्राम देख रहे हैं, थोड़ा सा कुछ पॉइंट है। ये लोहे का बना है, ये जो एनोड है आपका, ये ग्रेफाइट का होगा। चलिए बच्चों, समझाता हूं मैं आपको, इसे ध्यान से बिल्कुल समझें, ठीक है। सबसे पहले एक आयताकार पात्र लेते हैं। बच्चों देखिए, ये है आयताकार पात्र, ये देख रहे हैं, जिस पर मैं मार्कर का पॉइंट चला रहा हूं, ये एक आयताकार पात्र लेते हैं। ये आयताकार पात्र लोहे का या इस्पात का बना होता है। इस आयताकार पात्र के मध्य में अंदर, ठीक है, दो स्लेट लगाते हैं। ये बच्चों, ये स्लेट है, दो स्लेट, एक स्लेट ये है, एक स्लेट ये है, दो स्लेटें लगाते हैं। दो स्लेटों को लगाते ही ये आयताकार पात्र तीन खंडों में बढ़ जाता है, एक दो तीन, तीन खंडों में बढ़ जाता है। बाहरी दोनों खंडों में, ये बाहरी दोनों खंडों में निकास नलियां लगी होती हैं, जिसमें से गैसों का निष्कासन होगा, तथा मध्य खंड में भी गैसों के निष्कासन के संबंध में नली लगी होती है। बाहरी दोनों खंडों में ग्रेफाइट की रॉड लगाते हैं, जो एनोड की तरह व्यवहार करेगी, तथा मध्य खंड में एक लोहे का टुकड़ा लटकाते हैं, जो कैथोड की तरह व्यवहार करेगा। साथ ही साथ इस आयताकार पात्र के निचले सिरे पर, ये जो ब्लैक रंग देख रहे हैं, निचले सतह पर पारे की परत लगी होती है। ये पारा है बच्चों, पारे की परत होती है। बच्चों आपको पता है, पारा एक धातु है, और पारा ही एक लौता ऐसा धातु है जो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। तो ये लिक्विड अवस्था में ये पारा यहाँ पर इस पूरी जगह पर भरा है। तो बच्चों देखें, हमने यहाँ पर जो स्लेट लगाई है, वो इस आयताकार पात्र में नीचे की ओर, ये जो स्लेट आई है वो पूरी तरीके से जुड़ी नहीं होती, ये नीचे से पूरी तरीके से जुड़ी नहीं होती, थोड़ा सा यहाँ पर गैपिंग होती है। गैपिंग की वजह से ही ये पारा इधर उधर इधर उधर सब जगह आ जा सकता है, ठीक है ना बच्चों। तो क्या आप देख रहे हैं, इतनी मैंने बातें आपको बताई। अब क्या है, बाहरी दोनों खंडों में अंदर ब्राइन भरते हैं, बाहरी दोनों खंडों में ब्राइन भरते हैं। क्या है ब्राइन, ब्राइन NaCl का जलीय विलयन है, संतृप्त अवस्था होगी उसमें, ठीक है। तो NaCl का जलीय विलयन बाहरी दोनों खंडों में भरते हैं, यानी ब्राइन भरते हैं, तथा मध्य खंड में सोडियम हाइड्रोक्साइड का तनु विलयन भरते हैं, यानी NaOH की मात्रा कम है, जल की मात्रा ज्यादा है, NaOH का बच्चों तनु विलयन भर लेते हैं। भरने के बाद आपको जैसा पता है बच्चों, मैं कुछ जानकारी आपको दूंगा। ये इस बाहरी खंड पर देखिए एनोड लगा है, तो ये जो एनोड है ना, एनोड धनावेशित है, एनोड के सापेक्ष इतना हिस्सा, ये पारे का इतना हिस्सा कैथोड की तरह व्यवहार करेगा,
इसी प्रकार ये देखिए, ये हमारा कैथोड है, यानी ये लोहे जो का टुकड़ा लगा है, कैथोड की तरह व्यवहार कर रहा है। तो इतना जो आपका ये पारे का हिस्सा है ना, ये एनोड की तरह व्यवहार कर रहा है। इसी प्रकार ये एनोड लगा है, एनोड के सापेक्ष ये वाला पारा कैथोड की तरह व्यवहार कर रहा है। ठीक है, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो एक बार मैं फिर से आपको सरसरी निगाहों से बता रहा हूँ। हाँ, और यहाँ पर बच्चे एक देख रहे हैं, नीचे पहिया लगा है। पहिए की सहायता से क्या करेंगे, इस आयताकार पात्र को आगे पीछे ठेला जा सकता है। ठीक है, जिसे विकेंद्रित पहिया कहते हैं। चलिए अब इसको फाइनल मैं आपको स्पष्ट करके बताता हूँ। सबसे पहले क्या है, कास्टर केलनर सेल के अंतर्गत औद्योगिक विधि है। ठीक है, इस विधि के द्वारा क्लोरीन गैस बनाई जाती है। इस विधि में एक आयताकार पात्र होता है जो इस्पात का या लोहे का बना होता है। इस पात्र के मध्य में दो स्लेटें लगाई जाती हैं, दो स्लेट लगाई जाती हैं, जिससे पात्र तीन खंडों में बढ़ जाता है। मध्य खंड में लोहे का कैथोड लगाते हैं तथा बाहरी दोनों खंडों में ग्रेफाइट का एनोड लगाते हैं। पात्र में नीचे की ओर पारे की एक परत लगी होती है तथा साथ ही साथ जो स्लेट होती है वो पात्र में नीचे की ओर पूरी तरीके से जुड़ी नहीं होती, हल्का छिद्र अंदर की ओर होता है, जिससे पारा पूरे पात्र में नीचे आ जा सकता है। साथ ही साथ बाहरी दोनों खंडों में ब्राइन भरा होता है तथा मध्य खंड में सोडियम हाइड्रोक्साइड का जली विलयन भरा होता है। अब हम पात्र में कैथोड तथा एनोड की सहायता से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इतना पॉइंट आप लिखेंगे। ठीक है, तो आप रासायनिक अभिक्रिया, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो बच्चों आप देख रहे हैं, इसमें भी NaCl का जली विलयन है, इसमें भी NaCl का जली विलयन है, तो बाहरी दोनों खंडों में एक समान चीजें हैं। तो मैं सबसे पहले लिखता हूं, बाहरी दोनों खंडों में रासायनिक अभिक्रिया। बच्चों हम लोग बाहरी दोनों खंडों में रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं, क्या है उसमें, NaCl, NaCl, तो NaCl विद्युत की उपस्थिति में विघटित हो जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl माइनस। जैसे कि पता है क्लोरीन गैस बनती है, यहाँ पे एक ही क्लोरीन है, तो हम लगातार यहाँ पर बैलेंस करके चलते हैं। ये जो क्लोरीन है ये ऋण आवेशित है, ये कहाँ चला जाएगा, धन सिरे की ओर चला जाएगा, एनोड की ओर चला जाएगा। तो हम देखते हैं एनोड पर अभिक्रिया। बच्चों एनोड पर ये जाएगा 2Cl माइनस, तो एनोड पर दो इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करेगा और 2Cl में कन्वर्ट हो जाएगा, जहां पर 2Cl बच्चों कन्वर्ट हो जाएगा Cl2 गैस में। तो देखिए एनोड पर हमको Cl2 गैस प्राप्त हो गई। अब क्या है, अब हमारे पास बच्चों क्या है, सोडियम, ये ठीक है। तो सोडियम कहां चला जाएगा, कैथोड पर। तो अब आप लिखेंगे कैथोड पर अभिक्रिया। बच्चों कैथोड पर क्या अभिक्रिया होगी, कैथोड पर पहुंचा सोडियम, तो ये बच्चों सोडियम कैथोड पर पहुंचकर दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और अपनी मूल अवस्था 2Na में बदल जाएगा। अब ये सोडियम जो है नीचे पात्र पर बैठेगा, नीचे पात्र पर बैठेगा, तो पात्र पर नीचे क्या है, पारा। तो हमारे पास ये जो सोडियम है पारे के कोई एक्स अणु के साथ क्रिया कर लेगा तो बना लेगा Na2HgX, सोडियम अमलगम बना लेगा। ये जो बना है इसे कहते हैं सोडियम अमलगम। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, सोडियम अमलगम जब बन जाएगा तो हम इस पात्र को इस पहिए की सहायता से आगे पीछे घुमाएंगे। तो सोडियम अमलगम यहां बना है, सोडियम अमलगम यहां बना है, ये नीचे से होते हुए इधर उधर पूरा आएगा और लास्ट में पूरा इकट्ठा होकर यहाँ पे आ जाएगा। तब आपको पता है यहाँ पर क्या बना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का तनु विलयन, यानी यहाँ पर जल की मात्रा ज्यादा है, तो हमारे पास ये जो सोडियम अमलगम है वो जल के साथ क्रिया कर लेगा। देखिए Na2HgX, अब Na2HgX यहाँ पर बहुत सारे हैं, इसमें से मान लीजिए कुछ Na2HgX जल के साथ यदि क्रिया करते हैं तो देखेंगे यहाँ पर जल है, ठीक है, जलीय विलयन है, NaOH का जलीय विलयन, यानी जल की मात्रा ज्यादा है, कोई जल के अणुओं के साथ बच्चों क्रिया कर लेंगे, H2O के साथ क्रिया कर लेंगे। ठीक है, तो
जल के अणु HOH। तो आप देखिए यहां पर दो एन है तो आप यहां पर लगा दीजिए दो, दो एन ए के साथ दो एच निकल जाएगा तो बन जाएगा बच्चों टू एन ए ओ एच, और इसके बाद एच टू गैस यहां से मुक्त हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगी, प्लस पारे का एक्स अणु मुक्त हो जाएगा। तो ये बाहरी खंडों पर रासायनिक अभिक्रिया हुई। मध्य खंड पर क्या रासायनिक अभिक्रिया होती बच्चों? मैं यहां पर लिखता हूं मध्य खंड, तो बाहरी दोनों खंडों में हो गई, मध्य खंड में रासायनिक अभिक्रिया, मध्य खंड में रासायनिक अभिक्रिया। बच्चों मध्य खंड में क्या भरा हुआ है? मध्य खंड में NaOH भरा हुआ है, NaOH। इसके भी दो अणु लेके चलते हैं, 2Na पॉजिटिव प्लस 2OH माइनस, ठीक है। अब ये जो Na है Na पॉजिटिव, ठीक है, ये कहां पे पहुंच जाएगा? आपको पता है Na कहां पहुंच जाएगा बच्चों? Na पहुंच जाएगा हमारा कैथोड के पास, तो कैथोड पर रासायनिक अभिक्रिया होगी, कैथोड पर रासायनिक अभिक्रिया। तो कैथोड पर रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी? सोडियम पहुंच जाएगा, 2Na पॉजिटिव यहां पर दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और बदल जाएगा 2Na में, ठीक है। अब आगे लिखेंगे यहां से, ठीक है, यहां से लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए यहां से मैं बनाऊंगा, तो आपको पता है अब ये सोडियम हमको कहां पर मिला? कैथोड पर। तो ये मध्य खंड में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है बच्चों, यहां पर जल की मात्रा ज्यादा है, तो हमारा ये जो 2Na है ये जल के साथ क्रिया करेगा, H2O के साथ क्रिया करेगा, और H2O के साथ क्रिया करेगा तो 2Na 2OH के साथ मिल जाएंगे और बना लेगा 2NaOH, और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। ये देखिए हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई यहां पर। इसके बाद आप हमारे पास क्या बचा? 2OH माइनस आयन, ये कहां चला जाएगा? एनोड पर। तो आप लिखेंगे एनोड पर, एनोड पर रासायनिक अभिक्रिया। बच्चों एनोड पर रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी? तो हमारा 2OH पहुंच जाएगा एनोड पर, 2OH माइनस, ये क्या करेगा? एनोड पर दो इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कर देगा और 2OH में बदल जाएगा। अब ये जो 2OH है, मैंने जैसे आपको बताया इसको हिलाने पर हमको यहाँ पर सोडियम अमलगम की मात्रा इकट्ठा हो गई थी, इसमें कुछ सोडियम अमलगम हो सकता है यहाँ पर रिएक्शन कर गया, ठीक है, NaOH में बदल गया। अभी अगर यदि और यहाँ पर कोई सोडियम अमलगम है तो वो सोडियम अमलगम वापस इस OH के साथ क्रिया करेगा, तो Na2HgX के ये अणु है, ये किसी ये 2OH के साथ क्रिया करेंगे, तो ये 2Na इस 2OH के साथ मिल जाएंगे और 2NaOH में बदल जाएंगे और Hg का X अणु मुक्त हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारी काश्नर केलनर सेल विधि भी पूरी हो गई। उम्मीद करता हूं मेरी ये क्लास आपको पूरी तरीके से समझ में आई होगी। धन्यवाद।